शहर में खोले गए लॉकडाउन के बाद अचानक शहरों की सड़कों पर इस कदर से भीड़ उमड़ पड़ी जैसे कि मानो कुछ हुआ ही नहीं। कोरोना महामारी को देखते हुए जहां एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पूरे देश भर में लॉकडाउन लगाया गया था, जिसको अब आंशिक राहत दी गई, सशर्त दी गई, इस राहत के बाद भी लोगों का हुजूम इस तरह से सड़कों पर टूट पड़ा जैसे कि मानो कुछ हुआ ही ना हो। ऐसे ही नजारा देखने को मिला सदर बाजार में, जहां पर अधिकतर लोग दोपहिया वाहनों पर सवार थे। साथ ही साथ भीड़ इस कदर हो रही थी जैसे कि मानो शहर में कुछ हुआ ही ना हो। कोरोना महामारी के चलते पहले ही हाई अलर्ट किया गया है, साथ ही साथ ग्रीन जोन वाले सभी क्षेत्रों को खोला भी गया है। वहीं गुना भी ग्रीन जोन में आता है, जिसके तहत जिला कलेक्टर ने इसको सशर्त कुछ दुकानों को खोला, लेकिन मार्केट में जो हुजूम देखने को मिला उससे लग रहा था कि ज्यादा दिन गुना की जनता ये लॉकडाउन से राहत बर्दाश्त कर नहीं पाएगी और बहुत जल्द दोबारा से लॉकडाउन की स्थिति बना दी जाएगी। वहीं दुकानों पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा था, जहां देखा गया कि सदर बाजार स्थित दुकानों पर इस कदर भीड़ का हुजूम लगा हुआ था जैसे कि कोई सोशल डिस्टेंसिंग की इनको परवाह ही नहीं। वहीं कई लोगों ने मास्क भी नहीं लगाए थे। ऐसा नहीं कि पुलिस के वाहन तफरी नहीं कर रहे हो, पुलिस बकायदा अनाउंसमेंट करते हुए पूरे में घूम रही थी कि जल्द से जल्द भीड़ को कम किया जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे। वहीं देखने में आया कि कई दुकानदारों पर चालानी कार्रवाई करने की बात भी पुलिस के द्वारा की गई, साथ ही साथ उन्हें हिदायत भी दी कि वे अपनी दुकानों के आगे ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना करें। सभी दुकानदार पहले दुकान के बाहर निकल के कार्रवाई करेंगे, मोटरसाइकिल भी करवाएं।